तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट नंबर 4 अनपेड सेलर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को जितनी शॉर्ट रख सकें उतनी शॉर्ट रखेंगे, कंसेप्ट जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतना अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि अनपेड सेलर। अनपेड सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? अगर सामने वाली पार्टी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए तैयार है तो ही हम अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हमें भी कोई नीड नहीं है। कि अगर सामने वाली पार्टी करना ही नहीं चाहती और हम करें तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स, बायर हैज टू पे फॉर इट। इन केस बायर फेल्स के रिफ्यूज टू पे द सेलर एज एन अनपेड सेलर सेल हैव सर्टेन राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? कि सेलर की ऑब्लिगेशन है कि इसको गुड्स को डिलीवर करना है और बायर की ऑब्लिगेशन है कि उसको उन गुड्स के बदले पेमेंट करनी है। अगर बायर फेल हो जाता है या रिफ्यूज करता है पेमेंट करने से, इन डैट केस सेलर एक अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हमने तो लिखा, जो यहाँ पे लिखा हुआ हमने वो देखा। अब हम देखते हैं एज पर सेक्शन कि मतलब लॉ क्या बोलता है, लॉ का क्या कहना है वो देखते हैं। तो भाई लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बोलता है कि एक सेलर अनपेड सेलर की कैटेगरी में तब आएगा जब ये कंडीशन दी हुई है ए और बी, ये फुलफिल करेगा तभी एक अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड अ टेंडर एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइजेस। इट मींस इसका मतलब है कि सेलर ने गुड्स की डिलीवरी कर दी और बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो जो मेरा सेलर है वो एक अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा और सेलर के पास ये राइट है कि वो कुछ एक्शन कर सके, एक्शन क्या करेगा वो भाई, गुड्स को वापस लेगा। ठीक है, बी बोलता है व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव एज कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव हैज नॉट बीन फुलफिल बाय द रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या अदरवाइज। इसका मतलब क्या होता है कि हमने गुड्स की डिलीवरी करी और बायर ने हमको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बीआर हो गया हमारा और चेक हो गया, और जिस ड्यू डेट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट, जैसे कि बोल सकते हैं कि जो एक चेक है, चेक की जो ड्यू डेट है वो 3 दिन बाद है और 3 दिन बाद चेक हमारा डिसऑनर हो गया, तो हमारा जो सेलर होगा वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल 1, एक्स सोल्ड सर्टेन गुड टू वाई फॉर 50,000, वाई पे 40,000 बट फेल्स टू पे द बैलेंस, एक्स इज एन अनपेड सेलर। एक्स ने वाई को कुछ गुड्स दिए 50,000 रुपये के और वाई ने सिर्फ 40,000 रुपये दिए और 10,000 रुपये देने में वो फेल हो गया, 10,000 रुपये दे नहीं पाया, तो सेलर हमारा अनपेड सेलर माना जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कल हम देखने वाले हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर कि एक अनपेड सेलर क्या क्या राइट, क्या क्या एक्शन कर सकता है अगर उसे पैसे नहीं मिलते उसके गुड्स के बदले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।